नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारी जो 6 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा है उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके लिए ये एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में जिस तरीके से दिया गया है सिलेबस में, बहुत लोगों को कुछ क्लियर आइडिया ही नहीं हो रहा है पढ़ना क्या है। तो मैं पहले इसके बारे में बताऊँगा आपको, और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये बहुत कोई हाय तो वाली चीज़ नहीं है जो इसके नाम से दिख रहा है आपको, और किस तरह से आपको लेके चीज़ें आगे बढ़नी है, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी होंगी ये देखना होगा। इस टॉपिक का नाम अगर देखा जाए तो लाइफ स्किल मैनेजमेंट, जीवन कौशल प्रबंधन के नाम से इसको जाना जाता है। और 10 अंक का इसमें हिस्सा दिया गया है, 10 अंक 150 में से 10 नंबर का पोर्शन ये आएगा। और ये जो बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत ही हाई स्कोरिंग जोन है, और यहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर आप इसको सिंपली बस थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये मेरी वीडियो उसी सीक्वेंस का हिस्सा है जो कि मेरे पेड बैचेस के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, उसका ही ये वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा 6 जनवरी को होने वाले परीक्षा के लिए पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, बिकॉज एक महीने में आपके कई सालों की मेहनत को शार्प किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन के लिए, या आप लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं था पेड बैचेस से कोई भी डिटेल लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, 7678668827। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या था कि ये लाइफ स्किल्स से रिलेटेड है। और इसमें अब देखने में बहुत लोग सोच रहे हैं मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो 4 टॉपिक दिए गए हैं खास तौर से, उसको दिया गया प्रोफेशनल कंडक्ट एंड पॉलिसी, मोटिवेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ओरिजिनल ओरिजिन्स, और लास्ट है पेनल एंड पनिशमेंट इफेक्टिव। मतलब क्या, हिंदी में व्यावसायिक आचरण के विषय में बात की जाएगी, शिक्षण की भूमिका, दंड और पुरस्कार की भूमिका, रिइन्फोर्समेंट जिसको कह सकते हैं, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल और मतलब संवैधानिक और मानवीय मूल्य का क्या महत्व है इसके विषय में। अगर आप इसको इंटरलिंक करें, देखिए एग्ज़ाम ये टीचर का है तो हमें सारा एक एप्टीट्यूड टीचर का डेवलप करना पड़ेगा। इस टॉपिक को इंसर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है सरकार को या बोर्ड को, आपको सोचने की आवश्यकता है। आप जो आए दिन देखते हैं कि टीचर की तरफ से एक थोड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर कभी कभी हमें देखने को मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर, जनरली ऐसे टीचर की कई बार ऐसे इंसिडेंट्स सामने आते हैं जो कि हमको शोभा नहीं देते हैं ऐसे टीचर कि वो ऐसे इंसिडेंट्स होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन के लिए, एक प्रकार से टीचर, जो बच्चा टीचर बनने जा रहा है उसमें कुछ शिक्षक के गुण हैं या शिक्षक के प्रति क्या सोच है, उसकी कितनी जानकारी है उसको, इस विषय में ये सेक्शन डाले गए हैं। आज की डेट में सभी अगर देखा जाए तो नौकरियों की तरह शिक्षक के पद को भी एक नौकरी ही माना जा रहा है, लेकिन शिक्षक का जो पद होता है, टीचर का एक पद होता है, वो एक नौकरी से ज़्यादा एक सामाजिक दायित्व का होता है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में मिस कर रहे हैं, कोई भी हो जाए। और यही मजबूरी बनी है कि हमें अब एक शिक्षक को उसका एप्टीट्यूड बताना पड़ रहा है कि आपकी एक शिक्षक के क्या दायित्व होते हैं और एक शिक्षक का क्या माइंडसेट होना चाहिए, और उसी की परीक्षा ली जा रही है कि आप कितने माइंडसेट से तैयार हैं टीचर बनने के लिए अपनी लाइफ में, है ना। आपको एक नौकरी नहीं पाने जा रहे, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए खुद को शिक्षक मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि आपकी क्लास में आपका ही बच्चा पढ़ रहा होगा, तो शायद आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रियलिटी बता रहा हूँ। अब देखिए, सबको पता होता है कि अच्छा टीचर क्या होता है, बुरा टीचर क्या होता है, या अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है, अच्छा काम करने से मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा, बुरा काम करने से क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं बिकॉज हमारा वो एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छे शिक्षण के गुण क्या है। इस वीडियो में हम लोग इन 4 सेक्शन से पहला सेक्शन उठा रहे हैं, इसी पर कम से कम एक और लेक्चर बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, व्यावसायिक आचरण एवं नीति मतलब क्या, ये प्रोफेशनल सबसे पहला एटीट्यूड इसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहला जो इसमें स्किल पूछी जा रही है कि प्रोफेशनली आप जो अपने कार्य क्षेत्र पर रहेंगे तो उस समय आपका स्वरूप क्या होना चाहिए, आपका आचरण क्या होना चाहिए, और एक वर्किंग प्लेस पे आपके लिए क्या पॉलिसीज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आया था पिछले यूपी टीचर की जो परीक्षा हुई थी सितंबर अगस्त में, उसमें क्वेश्चन आया था कि इसी सेक्शन से आया था कि एक आदर्श शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक बनने के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या क्या मानक होते हैं। मैं वहीं से इस चीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ।
ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपको मेरी पेड क्लासेस में और डिटेल में मिलेगा। देखिए पहले कि प्रोफेशनल कंडक्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक सफल अध्यापक के प्रमुख मानक क्या क्या होने चाहिए, आप सबको पता क्या क्या है, लेकिन खतरनाक ऑप्शन तब होगा जब ये चारों चीज़ उठा के दे दी गई, चारों बोलेंगे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, डेंजरस चीज़ ये होती है ना, तीन गलत टाइप दे दिया एक पॉजिटिव दे दिया तो आप तो सीधे मार्क कर देंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, दो तीन पॉजिटिव दे देंगे उसमें से बेस्ट वन चुनना होगा आंसर, वहाँ खतरा होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि शिक्षक के आदर्श रूप से गुण क्या क्या होते हैं। एक शिक्षक के पास सबसे पहले तो कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, डीप कंटेंट ऑफ नॉलेज होना जरूरी है, मतलब उसे अपने विषय वस्तु का ज्ञान है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सामाजिक अध्ययन, मुझे पता ही नहीं है कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं या पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, तो समस्या में तो आऊँगा मैं, बिकॉज जब टीचर को कंटेंट नॉलेज की जानकारी नहीं होती, कंटेंट का ज्ञान नहीं होता है, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तो वह अन्य चीज़ों में छात्रों को भ्रमित करने के लिए मजबूर हो जाता है, या अगर कंटेंट में कहीं भी कमी रहती है तो उसका बिहेवियर सडनली 180 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, पैनिक हो सकता है, सारा शिक्षण का जो गुण है वो एकदम से छू हो सकता है। दूसरा पॉइंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो एक आपको पता है कि जो सिस्टम होता है लर्निंग का ट्राईपोलर होता है, हम हैं बच्चे हैं पेरेंट्स हैं, है ना, इन सब के बीच में कड़ी होता है शिक्षक टीचर होता है, और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ है तो, क्योंकि जवाबदेही हमारी है सिस्टम में, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ है तो आप किसी के को भी अपना फीडबैक या अपनी बातें नहीं बता पाएंगे, जहां से कि आपका ये शानदार होने वाला ज्ञान किसी कीमत पे आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रह जाएगा। कहा जाता है ना कि इंटेलिजेंट होना अलग बात है और एक अच्छा टीचर होना अलग बात है, ठीक है ना, तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार होनी चाहिए, और इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार कैसे हो, आपका अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में अच्छा पेशेंस होना चाहिए, आप कोई अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, कोई अच्छा समझा रहे हैं, आप 35 मिनट तक कंटिन्यू मोशन में हैं और एक बच्चे ने ऐसे ऐसे कर दिया, आपका पेशेंस जवाब देगा, वहाँ पेशेंस कहाँ आएगा, गुस्सा आएगा कि जाके इस बच्चे को बाहर निकालूँ या ऐसे कुछ बोलूँ मैं, लेकिन वहाँ पेशेंस काम आता है। आप विपरीत परिस्थितियों में, आप कक्षा में मूड बना के गए हैं कि मुझे आज बच्चों को कुछ साइंस का एक विषय पढ़ाना है, जर्मिनेशन पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, मिरर पढ़ाना है, अब वहाँ पे क्लास का माहौल ही कुछ और है, है ना, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप वहाँ क्लास ले नहीं पाते, वहाँ कॉन्फिडेंस काम आएगा आपका, कि मतलब अननोन सिचुएशन में, है ना, अनप्लीजेंट सिचुएशन में, जो आपके मुताबिक सिचुएशन नहीं, उसमें आप कैसे अपने आप को मैनेज करके और अंत तक अपने विषय पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, या आपके विद्यालय में आपके कक्षा में कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ आपका कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बात आती है लीडरशिप क्वालिटी, तो लीडरशिप क्वालिटी उसी वही जनरेट कर सकता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होती है। बहुत समय ऐसे आते हैं, क्रिटिकल टाइम आते हैं कि आपको तुरंत से डिसीजन लेना होता है। केंद्रीय विद्यालय के अरुणाचल प्रदेश का एक विद्यालय था, वहाँ एथनिक क्राउड बहुत होता है, अलग आदिवासी बच्चे भी होते हैं, क्लास में बहुत सारे वेजिटेरियन बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा नॉन वेजिटेरियन था जो कि डॉग मीट लाया हुआ था, तो कुछ बच्चे बुली करने लगे, उस कंडीशन में होते तो आप क्या करते, यहाँ ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, है ना, यहाँ आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक होती है, कि लीडरशिप क्वालिटी टीचर में होना आवश्यक है, वो कैसे मिलेगा, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों होंगे, ठीक है, साथ में टीचर को इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा, टीचर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल मतलब सब इमोशनलेस, है ना, ठीक है यस नो करके नहीं, टीचर को इमोशंस लेने पड़ेंगे, एट ए प्राइमरी लेवल हमारे अंदर इमोशंस जरूर होने चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो आप बच्चे के उस स्तर पर जाके नहीं सोच पाएंगे या उसकी समस्या को जान भी नहीं पाएंगे। अगर एक बच्चा कंटिन्यू लगातार क्लासेस में चुप है या उसका बिहेवियर क्लास में सस्पेक्टेड है, तो आपको केस स्टडी करनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा केस स्टडी उस खास तौर से उस बच्चे विशेष की, अगर आप उस लेवल पर जाके सोच ही नहीं सकते तो क्या केस स्टडी कर पाएंगे हम लोग उसकी, है ना, इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा नहीं और बहुत जल्दी रोना नहीं है, बच्चों की परिस्थितियाँ देखिए या इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो मातृत्व होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रांग वर्क एथिक्स होना चाहिए, वो मैं इसमें समझाऊंगा। स्ट्रांग वर्क एथिक्स मतलब जो शक्तिशाली नैतिकता होनी चाहिए कार्य के प्रति, मतलब आपको हर परिस्थिति में आपको अपना रोल याद होना चाहिए कि आप यहाँ किस भूमिका के लिए आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग मैंने बता दिया इमोशनल अटैचमेंट के साथ, बिकॉज आपका मूड भले घर से खराब होकर आया हो लेकिन आपको अपना रिदम बना के रखना है, आपको अपनी परिस्थितियों में खुश दिखाना है, बबली दिखाना है,
कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप, और उमंग से भरा हुआ दिखाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स हो चाहे भाई बहन चाहे कोई हो, सबको छोड़ सकते हैं अपने टीचर के लिए। टीचर ने जो कह दिया वो वज्रवाणी होती है, वो कब होती है, जब टीचर के ऊपर वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। जब टीचर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है या उसमें उमंग नहीं है, चलो ठीक है पढ़ लो तो सर ये पढ़ लें, हाँ वो पढ़ लो, जाओ सर वो पढ़ लें, हाँ वो पढ़ लो, उस केस में क्या वो बच्चा बिलीव नहीं कर पाएगा आप पे, बच्चा अपने पे आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दर्ज कर पाएगा। बच्चा इसीलिए आपसे पूछने आता है कि वो आपकी एक स्ट्रांग हाँ चाहता है ना, शो दैट कि अगर कोई और बोले तो बोले नहीं हमारे सर ने बोला तो यही है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद गियर शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब तुरंत से परिस्थितियां बदल सकता हूँ। मतलब जैसे मैंने मतलब बोला था किसी कोई और चीज़ सोच गए थे पढ़ाने के लिए, पढ़ाना पड़ेगा कुछ और, तो गियर शिफ्ट कर सकते हो। अभी माहौल को अचानक से चेंज करना हो तो आपको एकदम से माहौल को बदलना पड़ेगा, एकदम से आपको आपके अंदर इतनी शेड्स होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में इतने बदलाव होने चाहिए कि चीज़ों में परिस्थितियों में तुरंत बदलाव लाया जा सके। देखिए मैं हमेशा अपनी क्लासेस में डिस्क्रिप्टिव के लिए बच्चों को तैयार करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कितने रख लेंगे, जितने भी वीडियोज़ हैं और लोग बोलते हैं बाहर अंक निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, ये क्वेश्चन रख लीजिए, कुछ नहीं होता जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, कुछ नहीं हिलने वाला, ठीक है। अब देखिए प्रोफेशनल एथिक्स की अगर हम बात करें तो टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का बेसिक रोल होता है टू एडुकेट, टीचर का मुख्य रोल होता है कि उसे पढ़ाना है। उस पढ़ाई से उसके क्या क्या एथिक्स सामने आते हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों में डेवलप करता है, रिस्पेक्ट डेवलप करता है, ठीक है, केयर, ये कुछ फीचर्स हैं जो बच्चों में भी पहुंचती है और एक टीचर में निखर के आती है। एक अच्छा टीचर तभी शिक्षा दे पाएगा जब उसके पास इन सब चीज़ों का उपलब्धता है, रिस्पेक्ट मिले उसे बच्चों से, केयर प्राप्त हो, बच्चों को केयर करे, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हो, है ना, मतलब अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करे, जिस काम के लिए आया है उसे पूरा करे। अगर सोच लिया कि मुझे जितना लेसन प्लान डिलीवर करना है तो करे, प्रोफेशनली चीज़ों का कंप्लीट करें, है ना, पेशेवर अंदाज, जिस काम के लिए आए हैं वो जरूर करेंगे। बोलते ना कि धोनी बहुत प्रोफेशनल प्लेयर है ना, जो कमिटमेंट की उसे पूरा करना है। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, है ना, एक प्रकार से सारे अच्छे गुण, मॉरल वैल्यूज डेवलप करवाने, ये एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा। टीचर का रोल सिर्फ एकेडमिक चीज़ों को फिनिश कराना नहीं होता है, साथ में ट्रस्ट, एक ट्रस्ट जो डेफिसिट होता जा रहा है आज के समय में शिक्षकों और छात्रों के बीच में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को फिल किया जा सके, इस तरह की परिस्थितियाँ डेवलप करनी है। एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने दिया आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग अपने सिलेबस को लेकर आगे चलेंगे, और पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग एक बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।